आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा क्वेश्चन है, कृत्रिम तरीके से उत्पन्न नस्ल के वीर इकट्ठा करना कहलाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है वीर परीक्षण, ठीक है, दूसरा है निषेचन, तीसरा है प्रतिरूपण और चौथा हमारे पास, ठीक है, वीर संचय। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर, ठीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा वांछित नस्ल होता है, कौन सा नस्ल वांछित, ठीक है, वांछित मतलब मनचाहा, ऐसा कह सकते हैं, वांछित नस्ल, ठीक है, वांछित नस्ल का वीर, इसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्या करने, क्योंकि ठीक है जो कृत्रिम निषेचन होता है या कह सकते हो कृत्रिम गर्भाधान होता है, ठीक है, इसी के द्वारा करते हैं, ठीक है, जो वीर का जो गति होता है या जो वीर का सक्रियता होता है जिससे भी जीव में कम रहता है, ठीक है, उसमें ये कृत्रिम विधि द्वारा, ठीक है, गर्भाधान या निषेचन करवाते हैं ये। तो जो वांछित नस्ल का वीर इकट्ठा करते हैं वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन है, तो उसको कहते हैं वीर संचय, ठीक है, क्या कहते हैं, वीर संचय, ठीक, या वीर संचय इसको बोलते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, वीर को इकट्ठा करते हैं और जब इसकी जरूरत होती है, ठीक है, तब उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि इंसेमिनेशन होता है, जो भी मादा होती है उसके शरीर में क्या करते हैं, वीर को डालते हैं जिससे उसे अंडा निकलता है और क्या होता है, हो जाता है, निषेचन हो जाता है, ठीक। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वीर संचय कहते हैं। और वीर संचय से क्या कर सकते हैं हम, कृत्रिम, ठीक है, क्या करवा सकते हैं, कृत्रिम, ठीक है, गर्भा, कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। सबसे पहला वीर परीक्षण, मतलब वीर का टेस्ट करना, ठीक है, क्या क्या उसमें है, उसमें क्या क्या समस्या हो सकती है, उसकी गति या उसमें क्या क्या, ठीक है, जो हमारा संगठन है क्या क्या है उसमें, तो ये परीक्षण कहलाता है, टेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा निषेचन, मतलब अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने को निषेचन कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये है प्रतिरूपण, ठीक है, तो प्रतिरूपण का यहाँ पे यही मतलब है कि जैसे निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है वो गर्भाशय में, ठीक है, चिपकना इसे हम कह सकते हैं, उसे प्रतिरूपण बोलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक। और चौथा हमारे पास वीर संचय, तो जो वीर संचय होगा, ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इकट्ठा करने को ही संचय बोलते हैं, तो ये वीर संचय होगा, तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड गलत हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।